अभिषेक, मैं ये जानना चाहता था, जैसे रात को कभी जैसे बीवी के साथ हम बिस्तर ही की रात में, और सुबह जी फजर की नमाज पढ़ना है, सुबह गुस्ल करने में, सर्दी का मौसम है, गुस्ल करने की हालत नहीं है, बीमार होने का डर है, तो इस हालत जी में क्या करना, जी नमाज शेख कैसे अदा करें? भाई, एक जो तंदुरुस्त आदमी है, गुस्ल करने से कोई बीमार नहीं हो जाता है। ठंडी तो लगेगी, ठंडी का मौसम है तो सर्दी तो लगेगी, वो सबको लगती है। सर्दी नहीं, ऐसे का किसी मौसम है, सुनिए, बीमार हो, एक आदमी ऐसे ही वहम पाले हुए कि बहुत सर्दी है, मैं बीमार हो जाऊंगा, ये जी उज्र नहीं है शरीयत में। हाँ, ऐसी ठंडी है कि हकीकत में आपने देखा है कि कल फलाने ने कल नहाए थे और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई, इस इलाके में ऐसी ठंडी है कि रात में वो नहाए थे, वो आज हॉस्पिटल पहुंच गए। वरना ठंडी लगना ये उज्र नहीं है। दूसरी बात ये कि ठंडी से बचने के तरीके भी तो हैं, आप पानी गर्म करके नहा लीजिए, ऐसा जी तो है नहीं कि लेकिन कोई रास्ता नहीं है, आप पानी गर्म करके नहाइए। लेकिन किसी को एलर्जी है, वो नहाते ही छींटे आने शुरू हो जाती हैं, नाक बहने लगती है पानी की तरह, फिर उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाक बहने जैसी मामूली चीजें उज्र नहीं है। देखिए, उज्र यही है कि आपको बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, बड़ा नुकसान जिसको जी आप के लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ ये उज्र है, और वो भी उस उज्र उससे बचने के अगर तरीके आपके पास मौजूद हैं तब नहीं। भाई, आप अभी तो बेशतर घरों में गीजर लगे होते हैं शहरों में, अगर आप जी देहात में हैं, गीजर नहीं लगा हुआ है, आप पानी गर्म कर सकते हैं, कोई आप पानी गर्म करके गुस्ल खाने में नहाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जी